आजे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रो कुछ नहीं क्योंकि फ्रेंड्स मेरी अचानक आई थी और मैं कोई तैयार श्यार भी नहीं थी। खैर अब तो मैंने तैयार हो गई थी उनके आने पे, लेकिन मैं तब मैं तैयार वगैरह कुछ भी नहीं थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रेंड्स की तरफ से जो सेलिब्रेशन की गई है उसको स्पेशल बनाया जाए। और जब फ्रेंड्स जो सेलिब्रेट करती हैं वो एक डिफरेंट होती है, फैमिली के साथ डिफरेंट होती है। खैर फैमिली के साथ मैंने रात सेलिब्रेशन कर ली थी और आज मैंने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन की है। अचानक आई थी और मैं तैयार भी नहीं थी, इसलिए मैंने इंट्रो वगैरह भी कुछ नहीं दिया। और आप लोग देख सकते हैं मैंने सिर्फ अब चेंज किया है, पहले मैंने कोई चेंज वगैरह भी नहीं किया हुआ था और इसलिए मैंने कोई इंट्रो भी नहीं दिया। मेरा अगर बस चले ना तो मेरा अगर बस चले, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी बर्थडे होती है 3 दिसंबर को, तो मैं जो होती हूँ टिकटॉक और एक दफ़ा मेरा बस चले ना तो 1 दिसंबर से लेकर मेरी 3 तक सेलिब्रेशन होनी चाहिए, ये मैं कहती हूँ। इस तरह ही होना चाहिए, बर्थडे का एक दिन करके बर्थडे का और बाद में वो ख़त्म हो जाता है, इतना पूरा साल इंतजार करो। वैसे ये कौन सा कोई वेडिंग कोई इस तरह का सीज़न वगैरह चलता है। खैर नेक्स्ट मैंने यही करना है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ करना है और 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर 3 दिसंबर तक मैंने जाया करना है अपनी सेलिब्रेशन को लेकर। 1 से 28 अच्छा नहीं, मैं 1 से 3 तक अपनी बर्थडे लाइक सेलिब्रेट किया करूँगी। और लाइक मुझे गिफ्ट वगैरह भी मिले हैं, इस बार मज़ा आया है, ठीक थी थोड़ा जैसे भी था, ठीक है। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ अगेन। मैं अपने आप को खुद ही कह लेती हूँ थैंक यू सो मच आमना, जो आमना और आपदा, थैंक यू सो मच। अलमास ने हाँ, बाकी वो मैं उसमें बोल दूंगी, हाँ सरप्राइज का मैंने बताया नहीं। सबका खैर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और स्पेशली जो आई मेरी फ्रेंड उनके लिए, उनको थैंक यू। आपका बाद में करूँगी, ठीक है। अल्लाह ब्लेस यू ऑल अगेन। मैं अपने आप को विश कर देती हूँ हैप्पी बर्थडे टू मी, किसी और ने तो मुझे बोलना नहीं है घर में, ठीक है। नहीं बस बहुत है। आई लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।